नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। दिन में तेज धूप और रात में पड़ रही सर्दी ने बीमारियों का ग्राफ बढ़ा दिया है। जिला अस्पताल की ओपीडी में सर्दी बुखार के 30% तक मरीज बढ़ गए हैं। अधिकतर मरीजों को तेज बुखार के साथ बदन दर्द और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है, जबकि कुछ मरीज कपकपी और उल्टी दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार बदलते मौसम में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 1000 से अधिक मरीज पंजीकरण करा रही हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या मौसम की वजह से बीमार हुए लोगों की रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में वरिष्ठ परामर्शदाता के कक्ष में बाहर तक मरीजों की लाइन लगी रही। यही हाल बाल रोग विशेषज्ञ की ओपीडी का रहा। डॉक्टर आलोक पांडे के अनुसार पिछले एक सप्ताह में बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जरूरत पर मरीजों की खून की जाँच भी कराई जा रही है। बदलते मौसम के साथ वायरल का हमला तेज हुआ है, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम बदलने से एलर्जिक बाक्राइटिस की समस्या मरीजों में बढ़ने लगी है। अस्थमा के अलावा सांस संबंधी अन्य परेशानियों ने मरीजों को बेदम कर दिया है। जिला अस्पताल के चश्म रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर शोभित अग्निहोत्री ने बताया कि वातावरण में सूक्ष्म कण की मात्रा बढ़ने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। गले में खराश के साथ खांसी की समस्या हो रही है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। आज आप जिला अस्पताल आए हैं जी, किस चीज का इलाज कराने आए थे? थोड़ा प्रॉब्लम थी पेट से संबंधित, तो वही आए थे सर। तो आपको दवाइयां मिल रही हैं? हाँ, लगे हुए हैं लाइन में, पहुंचते हैं देखते हैं। कम खड़े हैं लाइन में? हाँ, कुछ लोगों को मिल भी जाते हैं, कुछ दवाई नहीं मिल पाते हैं। अब मुझे लगभग 45 मिनट तक तो हो ही गया, आधा घंटा तो कहीं नहीं गया। अंदर भी ऐसे ही लाइन लगे? हाँ, उधर भी लगे हुए हैं। एक कुछ तो डॉक्टर साहब आए भी नहीं है, एक दो डॉक्टर साहब आए उनकी वजह से ज्यादा लाइन भी लगी। सर, जिला अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं और क्या दवाइयां उपलब्ध है? जब से ठंड कम हुई है तो कुछ मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है, और जो सर्दी खांसी के बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, खास करके मेडिसिन के और बच्चों को ओपीडी में, सारे लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं और सभी चीजें ठीक चल रही हैं।